हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक पावरफुल रेमेडी लेके आए फ्रेंड्स कि प्याज में ये अगर दो चीज़ मिला के अगर लगा लेंगे, आपके बालों की जो अनेक समस्याएं वो बिल्कुल दूर होंगी और आपके बालों की ग्रोथ अगर बिल्कुल रुक चुकी है वो दोबारा से रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके बालों में इतनी ज़्यादा चमक आएगी कि लोग पूछने लगेंगे आपने लगाया क्या है, या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हो चुके तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है प्याज। तो प्याज में अक्सर बहुत ही ज़्यादा सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे बालों को बहुत ही रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमारे बालों को बहुत ही सिल्की और एकदम स्मूथ बनाता है बालों को, और इतना स्पीड से ग्रोथ को बढ़ाता है कि आप अगर इसको कंटिन्यू 15 दिन लगा लेंगे तो आपके बालों का जो रिजल्ट आएगा वो आप देखने लायक आएगा। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। तो इस तरीके से आपको प्याज को ले लेना है। प्याज के छिलके को भी आपको अक्सर फेंक देते हैं तो बिल्कुल भी ना फेंकें, आप इसको स्टोर करके रखें, बहुत ही कमाल की रेमेडी से बनने वाली है। तो ये हमने 2 छोटी साइज़ के प्याज ले लिए हैं, अब इसके छिलके हम साइड में रख दिए हैं, हम बिल्कुल भी फेंकते नहीं हैं, और इसका जो टोनर बनता है उसका हम उबाल के इसको टोनर बना के हमारे बालों में अप्लाई करते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, हमारे बाल बहुत ही सिल्की रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसका जो प्याज के छिलके को उबाल कर इसका पानी रहता है उसको फेंके ना, उससे आपके बालों में स्प्रे की सहायता से आप स्प्रे करें तो बहुत ही ज़्यादा आपके बाल सिल्की रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, बालों की जो लेंथ है जो बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको प्याज को कट कर लिया। अब इसमें दूसरी चीज़ हम लेंगे आंवला। तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है जो हमारे बालों को बहुत ही सिल्की, शाइनिंग और एकदम मजबूत बनाता है। तो इस तरीके से आपको आंवले को ले लेना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अगर इस सीज़न में आपको मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप इसकी जगह आंवले का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हो सके तो आंवला मिले ताज़ा फ्रेश तो आप उसका यूज करें, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने एक आंवला को कट करके ले लिया और ये हमने दूसरा ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आंवले में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है तो आंवला बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो जो ख़राब पार्ट था उसको हमने निकाल दिया और हमने साफ साफ इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही बेस्ट की रेमेडी बनने वाली है, बहुत ही कमाल की रेमेडी बनेगी फ्रेंड्स कि आप एक बार इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो यह हमने ले लिया एक मिक्सी का जार ले लिया, अब इसमें इसको हल्का दरदरा पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं, इसका जूस आपको केवल निकालना है। तो देखिए हमने इस तरीके से डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। अब आपको ले लेना है कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है, आप या छन्ने की सहायता से भी निकाल सकते हैं, बट अगर आप कॉटन के कपड़े से निकालेंगे तो कपड़े की सहायता से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका जूस निकलेगा। और इसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर दी, आप इसमें एक दो चीज़ और ऐड करके आप इसको मिक्स करके अप्लाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट का कमाल आएगा, कमाल का आपको रिजल्ट आएगा, सॉरी। तो इस तरीके से देखिए हमने इसका जूस निकाल लिए हैं। और आप इस रेमेडी को बच्चों से लेके बड़ों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसमें नींबू का रस और ऐड कर लेना है, और अपने बच्चों की बालों की जो लेंथ होती है या आप रूट में भी आप इसकी मसाज करें बिल्कुल अच्छे से, आपके स्कैल्प पर मसाज करेंगे तो जो हमारे बालों में डैंड्रफ होती है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम एलोवेरा जेल, आप इसकी जगह कोई सा भी आप इसमें ताज़ा फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, अगर लीव्स को कट करके उसका जेल निकाल के, वो और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि हमारे बाल अगर रुक चुके होते हैं ग्रोथ है जो हमारे बालों की बंद हो जाती है तो दोबारा से रीग्रोथ स्टार्ट करता है एलोवेरा, ताज़ा फ्रेश एलोवेरा जो हमने लीव्स लेके और उसको कट करके जेल निकालेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एलोवेरा जेल को, आप अगर मार्केट वाला हो तो मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं, नहीं हो तो आप इसमें घर का ताज़ा फ्रेश एलोवेरा जेल की लीव्स को तोड़कर आप उसका भी जेल निकाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बालों को टूटने से बहुत ही कम मात्रा में ये जो बाल टूटते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। तो
इस तरीके से जो हमने विटामिन ई का कैप्सूल में जो ऑयल निकला है उसको हमने डाल दिया और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इतना कमाल की रेमेडी होने वाली है फ्रेंड्स कि आप इसको खुद अप्लाई करेंगे तब आपको बेस्ट रिजल्ट समझ में आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अपने बालों में दो तीन टाइम जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसको इसमें भिगो के अगर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपके बालों की लेंथ इतनी स्पीड से बढ़ेगी कि लोग पूछने लगेंगे आपने लगाया क्या है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल की जगह आप जो भी कोई सा तेल पसंद करते हैं वही आप इसमें ऐड करें। ऐसा नहीं कि आप सरसों का तेल ही यूज करें, बट सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है, बहुत ही हेल्दी होता है हमारे बालों की केयर करने में। तो फ्रेंड्स अगर कैसा भी अगर आपको अगर मुल्तानी मिट्टी मिला के अप्लाई करना है या आप इस तरीके से अप्लाई करना है, दोनों आपके ऊपर, दोनों तरीका बहुत ही बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।